कलर्स टीवी के फैंटेसी शो बेकाबू तो फैंस को काफी ज्यादा एंटरटेन कर रहा है, लेकिन इस शो का जो टीआरपी है वो बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। ये शो हमें सैटरडे और संडे रात के 9 बजे देखने को मिलता है। इस शो का टीआरपी 0.9 ही निकल गया है। इस हफ्ते फिर से इस शो का टीआरपी 0.9 ही निकल गया है। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम बात करेंगे इस हफ्ते आपके फेवरेट शो बेकाबू कलर्स टीवी के कौन से पोजीशन पर है और बीआरसी के टॉप 30 की लिस्ट में कौन से पोजीशन पर है। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शालिन मन और ईशा सिंह स्टारर शो बेकाबू तो फैंस को काफी ज्यादा एंटरटेन कर रहा है, लेकिन इस शो का जो टीआरपी है वो दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा कम निकल कर रहा है। कुछ समय पहले ये खबर निकल गया था बेकाबू का जो टाइम स्लॉट है वो चेंज होने वाला है, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 रिप्लेस करने वाला है बेकाबू को 15 जुलाई से। इस हफ्ते बेकाबू की जो ऑनलाइन टीआरपी निकल गया था वो था 35। इस शो का पोजीशन नीचे जा चुका है और इस शो का जो रेटिंग है वो भी कम हो गया है। लास्ट वीक इस शो का टीआरपी 37.0 निकल गया था, इस हफ्ते ऑनलाइन टीआरपी 35.0 निकल गई है और ये शो नंबर 8 के पोजीशन पर है। तो इस शो का जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा नीचे आ चुका है ऑनलाइन टीआरपी में। उसके साथ ही इस हफ्ते इस शो का बीएआरसी की टीआरपी फिर से 0.9 ही निकल गया है और ये शो कलर्स टीवी के नंबर 6 के पोजीशन पर है 0.9 रेटिंग्स पॉइंट्स के साथ। और ये शो ओवरऑल टीआरपी यानी बीएआरसी के टॉप 30 की लिस्ट में ये शो है 25 के पोजीशन पर। इस शो में हमें परी और राक्षस की कहानी देखने को मिल रही है। कहानी तो फैंस को काफी ज्यादा एंटरटेन कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी इस शो का टीआरपी बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। इस शो में अपकमिंग एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि बेला और रानव के सामने आने वाली है बेला की माँ का असली चेहरा कि असलियत में वो सबसे बड़े विलेन है जिसने एसोत को मारा था। तो बिहाइंड द सीन्स बहुत सारे फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। उसके साथ ही हमें बेला और रानव के फिर से शादी का ट्रैक भी देखने को मिलेगा बेकाबू के अपकमिंग एपिसोड में। तो क्या आप देखते हैं कलर्स टीवी के फैंटेसी शो बेकाबू सैटरडे और संडे रात के 9 बजे? कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहां पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर सोती बड़ी खबरें सबसे पहले। तो देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात।